हाय एवरीवन, माय नेम इज एरास एंड हाउ आर यू। आई होप कि आप बहुत अच्छे होगे, जहां भी होगे सही सलामत होगे, और हमेशा की तरह मुझे देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो और मुस्कुरा भी रहे हो। देखो, आज का ये जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग जानेंगे, इस वीडियोस में ये तीन टॉपिक है, थ्रेसिंग, बिनोमिंग एंड कंबाइन हार्वेस्टर। बट मुझे पता है कि आप लोग जानते हो ये थ्रेसिंग के बारे में और ये बिनोमिंग के बारे में। अगर कुछ कुछ नहीं जानता है, बट ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो इसके बारे में और इसके बारे में जानकारी है उसे, बट उसे ये कंबाइंड हार्वेस्टर के बारे में आई डोंट थिंक उतना ज्यादा जानकारी हो, या फिर जानेंगे अभी तो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियोस में हम कंबाइंड हार्वेस्टर्स के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इफ समवन में आस्क यू व्हाट इज कंबाइंड हार्वेस्टर, ये कंबाइंड हार्वेस्टर होता क्या है, इसका डेफिनेशन के बारे में बात करो। देखो, सबसे पहली बात यह है कि पहला ही लिखा गया है नाम में, कंबाइन हार्वेस्टर, यानी कि हार्वेस्टिंग का काम करेगा। सिंपल सी तो बात है, लेकिन पहला ही लिख दिया गया है कि कंबाइन है, हार्वेस्टिंग तो करेगा ये हार्वेस्टर, लेकिन कंबाइन है मतलब अकेले नहीं है, इसके पास और भी कुछ है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा कंबाइन हार्वेस्टर है, यह एक बड़ा सा ह्यूज मशीन होता है, ठीक है। नाउ लिसन टू, अगर आपसे कोई पूछता है कि कंबाइन हार्वेस्टर क्या होगा, तो उससे तुम कह देना कि एक बड़ा सा मशीन है कंबाइंड हार्वेस्टर, जिसका इस्तेमाल करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये क्रॉप जो खेतों में लगे होते हैं वो क्रॉप को काट भी देता है, यानी कि ये कटनी का भी काम करेगा ये कंबाइंड हार्वेस्टर, और उसी के साथ ही साथ ये थ्रेसिंग का भी काम करेगा। समझ गया ना डियर? तो ये मशीन है हमारा ये कंबाइंड हार्वेस्टर, वो क्या है जी कि एक ही बार में काट भी लेगा, जैसे धान का पेड़ तो धान को काट भी लिया, और फिर उसी धान को मैश करके उसी मशीन में अनाज को यानी कि ग्रेन्स को अलग कर लेगा, ठीक है, और जो भूसा वगैरह सब है उसको अलग कर देगा। समझ गया ना? तो दिस इज द कंबाइंड हार्वेस्टर, यही कंबाइंड हार्वेस्टर है, और यही कंबाइंड हार्वेस्टर का फंक्शंस भी है। समझ गया? अब इंग्लिश में सुने, कोई पूछता है कि व्हाट इज कंबाइन हार्वेस्टर, तो मैं लिखा हूं कि कंबाइन इज ए ह्यूज मशीन व्हिच इज यूज्ड टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स लाइक व्हीट हो सकता है इन द फील्ड्स, एंड नॉट ओनली हार्वेस्ट द क्रॉप बट इट आल्सो थ्रेसेस इट एंड सेपरेट्स द चाफ फ्रॉम द ग्रेन्स इन वन ऑपरेशन, देन दिस इज कॉल्ड एज द कंबाइन हार्वेस्टर। अभी भी हमने क्या बोला इस कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में? हमने कुछ तो बोला नहीं, हमने कहा कि जो कंबाइन हार्वेस्टर है वो एक प्रकार का बड़ा सा मशीन है जो क्या करता है, फसल को काट लेता है, जैसे भीट का हो जाएगा चाहे और भी कुछ खेत में ही जा करके, और वही मशीन क्या करेगा, वो ग्रेन्स को, अनाज को, चावल को, चाहे गेहूं उसके अंदर है, वो अलग कर लेगा और भूसा को अलग कर देगा, एक ही ऑपरेशन में, यानी कि एक ही मशीन वो करेगा। तो दिस इज द कंबाइंड हार्वेस्टर। आई होप, मुझे यकीन है कि तुम कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में समझने का प्रयास किया होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कंबाइन हार्वेस्टर क्या होता है, तो आई डोंट थिंक कि आप लोग नहीं बता पाओगे, मुझे लगता है कि आप लोग बता पाए, ठीक है। तो फिर और भी बहुत सारी बातें करूंगा, बट नेक्स्ट वीडियोज में और कुछ नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बस ऐसे ही, सी यू सून, लव यू ऑल एंड टेक केयर।